नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका और एक नए प्लान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक प्लान देख रहे हैं जो है एक 3 BHK, सॉरी 4 BHK का प्लान। और जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं और ये जो आप लोग अभी प्लान देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो आउटर वॉल है वो यहाँ पर हम लोग दे रखा है। हम लोग ने 5 इंच का ये जो आउटर वॉल आप लोग देख रहे हैं ये दिया रखा है, पूरा 5 इंच का। सॉरी यहाँ तक, और ये पूरा है 5 इंच का, ये ऊपर नहीं, ये पूरा दे रखा है 5 इंच का। यहाँ से ये तक मीन्स 5 इंच, यहाँ पर 5 इंच जो कह रहे हैं हम लोग, इंच में 5 इंच है। अगर कोई यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर में करना चाहता है, जैसे कि ये सेंटीमीटर में 125 सेंटीमीटर के कर सकते हैं कोई, अगर मीन्स सेंटीमीटर में करना चाहता है तो ये चेंज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर फिट इंच में किया है क्योंकि नॉर्मली जो काम किया जाता है मीन्स साइट में जो काम किया जाता है वो एक्चुअली फिट इंच में ही होता है। और जो यहाँ पर एमएम का जो वगैरह है, जो एमएम का है, जो 12.5 सेंटीमीटर और 125 mm का है, जो अगर कोई ड्राइंग शीट में करे तो वो 125 mm का किया जाता है, मीन्स एमएम पे। सॉरी, मैं वहाँ पर थोड़ा गलती से 125 सेंटीमीटर बोल दिया, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये 125 सेंटीमीटर नहीं, 125 mm का होता है जब ड्राइंग शीट में किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैंने किया है यहाँ पर मार्किंग किया, ये सब 125 mm यानी 5 इंच का है। ठीक है, 5 इंच का है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्टीशन वॉल भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन और ये, और यहाँ से ये इतना है 3 इंच का, ये है 3 इंच का, ये ग्रीन लाइन 3 इंच का है और ये 3 इंच का, और ये जो ब्राउन लाइन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है ये 5 इंच का। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एंट्रेंस है और इसका जो मीन्स विड्थ है, इस डोर का जो विड्थ है वो है यहाँ पर 4 इंच। सॉरी, मैं ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से क्या कर देता हूँ, अभी 4 इंच का है। ठीक है, ये 4 इंच का है, लेकिन हाँ 4 इंच का यहाँ पर सिर्फ विड्थ है, जो हाइट है वो हर दरवाजे के लिए, हर दरवाजे के लिए सेम होता है, वो 7 फीट का होता है। सॉरी, ये 4 इंच का क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर 4 फीट का होगा, ये मैंने गलती से इंच का जो मार्किंग है वो दे दिया था, यहाँ पर 4 फीट का होगा। ठीक है, यहाँ पर और जो हाइट है वो 7 फीट का होता है, जैसे कि यहाँ पर 4 फीट का है और यहाँ पर भी ये 4 फीट का ही है। ये मेन डोर है, मेन डोर है, ये 4 फीट का मेन डोर है, और ये जो है ये एक बरामदा है, इसका जो बरामदा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बरामदा है वो है 12 फिट बाई 25 फिट का, ये बरामदा है। यहाँ से 12 फिट मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है, यहाँ से ये है 12 फिट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है 25 फिट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 25 फिट, यहाँ से यहाँ तक है 25 फिट, और इसके अंदर जाने से हम लोगों को एक परा यहाँ पर एक लॉबी मिल जाता है, यहाँ पर अपने ड्राइंग एरिया मिल जाता है, ड्राइंग रूम मिल जाता है, जिसको हम लोग लिविंग रूम भी कह सकते हैं। ठीक है, लिविंग रूम भी कह सकते हैं, जहाँ पर ये है, यहाँ पर लिविंग रूम है, ये जो जिसका साइज है यहाँ पर 10 फिट 4 इंच बाई 16 फिट, इसका है 16 फिट। ठीक है, ये है 16 फिट का, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं,
यहाँ से यहाँ तक 10 फीट का है, और 16 फीट का अगर बता दूँ तो ये पूरा 16 फीट है, सिर्फ इनर वॉल से इनर वॉल, ठीक है, इनर वॉल से इनर वॉल, सॉरी, हाँ ठीक है। अभी ठीक है, 16 फीट का है और इनर वॉल से इनर वॉल, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, ये इनर वॉल से इस इनर वॉल तक, उधर नहीं जाएगा, इस वॉल तक, ठीक है, ये है 16 फीट। उसके सामने ही है हम लोग को स्टेयर मिल जाता है उसका जो, और इस जो टोटल यहाँ पर दे रखा है, मतलब मीन्स जो टोटल हाइट है, रूम हाइट है, मीन्स फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो होता है, मीन्स इस बिल्डिंग का, वो है 10 फिट, ठीक है। तो 10 फिट के हिसाब से यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है, और जो इसका विड्थ है, इसका विड्थ है, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसका विड्थ है, यहाँ पर टोटल विड्थ है 7 फिट 5 इंच का, ठीक है, ये 7 फिट 5 इंच का विड्थ है। वो कहाँ से कहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विड्थ है यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब इस अंदर से अंदर तक, मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा विड्थ है, ठीक है, इसका विड्थ है। जैसे कि इसको डिवाइड करके हम लोग और हाफ कर लिया है, जैसे कि 7 फीट 5 इंच, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इसका आता है 3 फीट 6 इंच समथिंग आता है, 3 फीट 7 इंच का समथिंग आता है, ठीक है, 3 फीट 7 इंच का आता है, और मीन्स पार विड्थ, यहाँ पर विड्थ 3 फीट 7 इंच का आता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं आपको समझने में आसानी होगी, 3 फीट 7 इंच, ठीक है, एक का है, एक का मतलब यहाँ से यहाँ तक का आता है 3 फीट 7 इंच। आपको शायद देख मीन्स थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, यहाँ से देता हूँ, ये जो है 3 फीट, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से हम लोग को एक दरवाज़ा मिल जाता है, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये दरवाज़ा बोलिए, ये 3 फिट का विड्थ है, ये 3 फिट का है, ये भी 3 फिट का है, यहाँ से ये भी 3 फिट और ये भी 3 फिट का, ये 3 दरवाज़ा हम लोग ने सेम रखा है, क्योंकि मैंने सेम रखा है क्योंकि ये भी बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, और ये भी बेडरूम ही है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम है, इसका जो साइज आप लोग देख रहे हैं, इसका साइज है 11 फीट बाई 16 फीट 4 इंच, ठीक है, 3 फिट 4 इंच इस बेडरूम का साइज है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 11 फिट का है, और यहाँ से यहाँ तक ये है 16 फिट 4 इंच, ठीक है, ये 16 फिट 4 इंच का है। और यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है 2 विंडो मिल जाता है, जो पूरा है 3 फिट का, 3 फिट का मीन्स 3 फिट विड्थ का है, ठीक है, ये 3 फिट का है, ये 3 फिट का विंडो है, यहाँ पर भी 3 फिट और ये भी 3 फिट, यहाँ पर 3 फिट दिया गया है क्योंकि एक बड़ा देने से अच्छा है दो, अच्छा लग रहा है देखने भी में से, देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 1, ठीक है। इसके साथ ही अटैच बाथरूम हम लोगों को मिल जाता है, जैसे कि ये है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर अटैच बाथरूम मिल जाता है हम लोग को, ये जो अटैच बाथरूम है, इसका जो मीन्स इसका जो कलर है मीन्स सॉरी, इसका इसका जो ये जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, इसका जो साइज है 5 फिट बाई 7 फिट 7 इंच का है, ठीक है, सेम टू सेम ये जो है, यहाँ पर भी ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट है जो 5 फिट बाई 7 फिट 7 इंच का आता है, ठीक है, ये जो टॉयलेट है, ये जो टॉयलेट है, ये इस रूम के साथ अटैच है और ये इस रूम के साथ अटैच है। और यहाँ पर जो एक बेडरूम है, ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, ये भी हम लोग को मिल जाता है 11 फिट बाई 12 सॉरी 16 फिट का,
ये मिल जाता है 11 फीट बाई 16 फीट का, ये मिल जाता है। ये 16 फीट आप देखने से ही आपको पता चल रहा है ये 16 फीट का है, ये है 16 फीट का, और यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है 11 फीट का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम पर, जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो बेडरूम है ये भी सेम है, हो गया। हाँ, अब ये जो बेडरूम है आप देख रहे हैं ये भी है 11 फीट बाई, सॉरी 16 फीट बाई 16 फीट का, ठीक है। ये भी 16 फीट का 16 है, लेकिन यहाँ पर और दूसरा जो दरवाज़ा है, मीन्स दरवाज़ा है, ये भी 3 फीट का है, आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर जो रूम आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर जो बेडरूम मिल रहा है, ये भी बेडरूम आप लोगों को मिल रहा है, ये भी है हम लोग का 16 फीट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फिट बाई 16 फिट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने से ही आपको पता चल रहा है कैसा कैसे जा रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक है हम लोग का 11 फिट, और यहाँ से यहाँ तक है हम लोग का 16 फिट। और जैसे यहाँ पर है ये जो मास्टर बेडरूम हम लोग दिखा रहे हैं, ये मास्टर बेडरूम से भी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, मास्टर बेडरूम का इतना बड़ा तो नहीं होता, थोड़ा कम होता है, लेकिन ये मास्टर बेडरूम से भी बड़ा हम लोग ने रखा है, ठीक है। ये 16 फीट बाई 16 फीट आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो विंडो आप देख रहे हैं, जहाँ जैसे कि मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ विंडो कौन सा कलर लूँ। हाँ ठीक है, मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है ये कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर जो ये, सॉरी मैं रेड ले लेता हूँ, तो फिर आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये, फिर ये जो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ सब है 3 फिट का, ठीक है, 3 फिट का विंडो है। और इस विंडो का जो हाइट है, इस जो भी विंडो है, जितना भी विंडो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो विंडो का हाइट है वो है 4 फिट का, ठीक है। और इसका जो सिल हाइट है, हर विंडो के नीचे जो सिल हाइट है वो है 3 फिट का, ठीक है। 3 फिट का सिल हाइट है और 4 फिट का विंडो का हाइट है, और इस विंडो का जो विड्थ है वो है 3 फिट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जो सिल हाइट होता है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सिल हाइट क्या होता है। ये है फ्लोर लेवल, ठीक है, यहाँ पर है फ्लोर लेवल, ये फ्लोर लेवल आता है, सॉरी ये, हाँ ये फ्लोर लेवल हो गया, यहाँ पर ये फ्लोर लेवल हो गया, ठीक है, ये फ्लोर लेवल हो गया, और यहाँ से विंडो आ गया, यहाँ से ये विंडो आ गया, समझ लीजिए यहाँ से विंडो आ गया, ठीक है, ये आ गया विंडो, ये आ गया विंडो, ये विंडो हो गया। इस विंडो के नीचे जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ये पोर्शन, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, ये पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये है सिल हाइट, यहाँ से यहाँ तक है सिल हाइट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, सिल हाइट, ठीक है, ये है सिल हाइट, तो आपको सिल हाइट पता चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और एक बात मैं जो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर आप लोग सबसे मेन जो है, यहाँ पर सबसे मेन जो है वो है इसका मीन्स कॉलम पोजीशन, कॉलम पोजीशन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, पहले हम लोग कॉलम पोजीशन कहाँ दे देंगे, यहाँ पर एक कॉलम होगा, 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 वो 4 कॉलम हम लोग ने फिक्स कर लिया है। अब अंदर कॉलम देते हैं, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा,
यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर एक होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ एक होगा, और हाँ तीन है, और यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक होगा, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो भी एक मैच हो जाएगा। यहाँ भी कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो होगा ये पोजीशन जो है और ये पोजीशन जो है, ठीक है, ये दो पोजीशन में कोई मीन्स एक कॉलम तो होगा, लेकिन वो कॉलम सेकेंडरी कॉलम होगा जो मीन्स टाई बीम से शुरू होगा, कोई भी मीन्स एकदम बेस से नहीं शुरू होगा, वो टाई बीम से शुरू होगा। उसके लिए मैं और एक अलग वीडियो बनाऊंगा। प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए, मीन्स अगर आपको जानने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ठीक है, इसके बारे में अगर जानना है तो। और इस प्लान के बारे में इतना ही जानकारी है। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, और प्लीज सब्सक्राइब को भी दबाना मत, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच।